ज्ञान सागर में मित्रों आपका पुनः एक बार स्वागत। ज्ञान की वृद्धि के लिए और ज्योतिष के माध्यम से क्या क्या हमारे ऋषियों ने और पूर्वजों ने अपने अंतर प्रज्ञा के माध्यम से मनुष्य को उन्नति के मार्ग खोलने हेतु जिस आध्यात्मिक विद्या जिसको ज्योतिष कहते हैं उसको रहस्यों को जानने का जो एक मार्ग हमें सुझाया, ये मानवता उनकी ऋणी है। आइए ज्योतिष के माध्यम से मनुष्य के जीवन में क्या क्या आध्यात्मिक ऊंचाइयां हो सकती हैं, वो कौन कौन से योग हैं जिनसे विशिष्ट लाभ हो सकता है। आजकल जैसा कि आप जानते हैं हम ज्योतिष में दिव्य योगों की चर्चा कर रहे हैं। आज ऐसा ही एक श्रेष्ठ योग जिसे काहल योग कहते हैं उसकी चर्चा करते हैं। योग तो बहुत है, 12 भाव, हर भावों के एक दूसरे से देखने पर किसी न किसी संबंधी को कोई ना कोई योग तो बन ही जाता है। ऐसा कोई भी योग जो मनुष्य के जीवन में उन्नति, ऊंचाइयां, ऐश्वर्य, यश, मान, प्रतिष्ठा देता हो, हमारे दिव्य दृष्टा और योगियों ने जिस गहन विद्या के माध्यम से हमें जैसे सागर में गागर के समान दिव्य योगों की व्याख्या दी है, आइए आज काहल योग की चर्चा करते हैं। मेरे पास बहुत से मित्रों के पत्र आते हैं, उनकी प्रार्थना के अनुरूप ही ज्योतिष के माध्यम से आप देखें कि ये योग कैसे आनंद को प्रदान करते हैं। ऋग्वेद में एक वचन आता है, रसो वैसा, परमात्मा रस रूप है। रस रूप का अर्थ यह है कि वो कोई भी तरीका जिससे मनुष्य को आनंद की उपलब्धि हो जाए, ये सत्य की कसौटी भी जानना। यदि आप आनंदित हैं, यदि आपके जीवन में उत्सव है, यदि आपके जीवन में श्रेष्ठ और उत्कृष्ट जीवन का अनुभव है, तो समझें आपकी पत्री में जरूर दिव्य योगों की भी कोई ना कोई ऐसी सुंदर सी अभिव्यक्ति अवश्य होगी, हमें पता हो या ना पता हो। आइए ज्योतिष में काहल योग हमें कहां से कहां पहुंचाता है। कहते हैं काहल योग यदि किसी मनुष्य की जन्मपत्री में हो वो असाधारण होता है, साधारण कुल में भी जन्म ले महान हो जाता है, राजतुल्य सम्मान पाता है, ऐश्वर्य पाता है, धन की और धन कैसा भी हो, स्वास्थ्य का हो, रूप का हो, ज्ञान का हो, बोध का हो, धर्म का हो, राजनीति का हो, मित्रता का हो, कोई भी क्षेत्र हो, काहल योग मनुष्य को श्री संपन्न बनाता ही है। देखिए काहल योग की निष्पत्ति कैसी हो जाती है। यदि किसी की भी जन्मपत्री में चतुर्थ भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, देखिए चतुर्थ भाव जहां केंद्र है वह नवम भाव त्रिकोण है। चतुर्थ भाव ऐसा समझें जैसे मनुष्य के जीवन में उसने क्या क्या पाना है, जैसे दसवां भाव राजा का होता है ऐसे ही चतुर्थ भाव राजा का समस्त ऐश्वर्य, राजा ने सब कुछ जो कुछ पाना है वो चतुर्थ भाव से आएगा। चतुर्थ भाव हृदय का भी है, चतुर्थ भाव से आपका चरित्र, आपका मन, आपके हृदय के भाव सभी देख लिए जाते हैं। यदि चतुर्थ भाव जमीन जायदाद का भी है, चतुर्थ भाव तुम्हारी मां का भी है, चतुर्थ भाव तुम्हारे भाइयों का पराक्रम भी है, और चतुर्थ भाव तुम्हारे जीवन में तुमने पूर्व जन्मों में क्या क्या कैसी कैसी ऊंचाइयां पाई हैं, चतुर्थ भाव तुम्हें हर प्रकार के धर्म अर्थ का मोक्ष को प्राप्त कराने का सुमग भाव भी है। यदि चतुर्थ भाव और नवम भाव, नवम भाग्य, ये नवम वो भाग्य है त्रिकोण में, नवा त्रिकोण, देखिए एक प्रथम, एक पंचम, एक नवम भाव, उत्तरोत्तर नवम भाव बलवान है। यदि आपकी जन्मपत्री में नवम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी एक दूसरे से केंद्र में हो तो ये काहल योग की निष्पत्ति बन जाती है। फिर से सुने, यदि आपकी जन्मपत्री में चतुर्थ भाव का स्वामी और नवम भाव के स्वामी एक दूसरे से केंद्र में हो, यानी 1, 4, 7, 10 ये केंद्र की स्थिति होती है, यदि एक दूसरे से केंद्र में हो तो काहल योग की निष्पत्ति होती है।
ये प्रथम प्रकार का काहल योग है। एक योग की और बात करते हैं, यदि चतुर्थ भाव का स्वामी उच्च का हो, स्वक्षेत्री हो, और दशमेश दशम भाव का स्वामी या तो चतुर्थ भाव में हो या उसे देखता हो, तो भी काहल योग की निष्पत्ति होती है। ये योग भी बहुत अप्रितम है। देखिए, दशम भाव कर्म क्षेत्र है। दशम भाव ऐसा समझे जैसे 1, 4, 7, 10 में से दशम भाव ऊंचाइयों का है, हाइट्स का है। दोपहरी का सूर्य है, दसवां भाव ऊंचाइयां। ऐसा समझे जैसे कुंडलनी जग गई हो, मूलाधार से सहस्रार की यात्रा का याद दिलाता हुआ दशम भाव। यदि दशम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ हो या उसे देखता हो, और चतुर्थ भाव का स्वामी या तो उच्च का हो या सुक्षेत्रीय हो, तो भी काहल योग की निष्पत्ति होती है। एक और भी योग है जहां काहल योग बन जाता है। यदि लग्न अधिपति, यदि लग्नेश जिस भी राशि में हो, उस राशि का अधिपति, फिर से सुने, यदि लग्नेश जिस भी राशि में हो और उस राशि का अधिपति जिस भी भाव में बैठा हुआ हो, उस भाव का स्वामी यदि उच्च का हो, स्वक्षेत्री हो, और ये दोनों एक दूसरे से लग्नेश और उच्च के राशि का अधिपति केंद्र में हो, तो भी काहल योग बनता है। इस योग को फिर से सुन लें। यदि लग्न अधिपति जिस भी भाव में गया हो, उस भाव का अधिपति जिस भी भाव में बैठता है, उस भाव का अधिपति उच्च का हो या सुक्षेत्री हो, और ये लग्न अधिपति के साथ केंद्र का रिश्ता जोड़ ले, तो भी काहल योग होता है। ये तीन काहल योग जिस भी व्यक्ति की जन्मपत्री में होते हैं, असाधारण होता है वो व्यक्ति। इससे सिद्ध होता है कि इस व्यक्ति ने परिवार के नियमों को पालन किया है, इस व्यक्ति ने माता पिता का आदर किया है, इस व्यक्ति ने भाई बहनों के बीच में प्रेम की अभिव्यक्ति की है। ये व्यक्ति अपने संबंधों को माता पिता के हों, भाई बहनों के हों, और परिवार के अन्य, चाहे वो चाचा हों, ताऊ हों, ये सब केंद्र है। जन्म पत्री में ही केंद्र मत देखते रहना, केंद्र तुम्हारे भी घर में है। यदि तुम्हारे घर में देखो, अब माता पिता तुम्हारा ये उद्गम स्तोत्र है, माता पिता की तुम संतान, और फिर तुम्हारा वंश आगे, और वो भी यदि तुम्हारे माता पिता का सम्मान करें, ऐसा समझे जैसे पोता और पोती दादाजी का सम्मान कर रहे हैं, तो ध्यान रखना ये भी काहल योग होता है। काहल योग हम ग्रहों में ही ना ढूंढते रहें, इसे घरों में भी ढूंढो। और जो व्यक्ति इस प्रकार के आचरण अपने जीवन में अपनाता है, उसी को ये ग्रह काहल योग देते हैं। काहल योग की बड़ी प्रशंसा की गई है, फल दीपिका में बहुत प्रशंसा हुई है, जातका भरण में प्रशंसा हुई है, वराहमिहिर बहुत तारीफ करते हैं। ये योग है भी बहुत श्रेष्ठ। आपके प्रधानमंत्री जो अब नहीं रहे, लेकिन उनका यशस्वी शरीर हमारे पास है, मुरारजी देसाई की पत्री में भी काहल योग है, उनकी मिथुन लगन है। मिथुन लगन के अंदर ध्यान से समझे, चतुर्थ भाव में बुध की राशि कन्या आती है और नवम भाव में कुंभ राशि आती है। ये कुंभ राशि का स्वामी उनकी जन्मपत्री में और चतुर्थ भाव का स्वामी बुध, बुध और शनि उनकी जन्मपत्री यदि आप देखेंगे तो एक दूसरे से केंद्र में है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, चतुर्थेश बुध को उच्च के गुरु की दृष्टि प्राप्त है, उच्च का गुरु द्वितीय भाव में है। यह बड़ा प्रीतिकर योग हो गया। जब भी ऐसा योग हो, व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त होता है और समाज में यश और कीर्ति उसको उपलब्ध हो ही जाती है। ध्यान से हम अपने जीवन में कैसी कैसी ऊंचाइयां पा सकते हैं। ये काहल योग इस प्रकार का योग है कि व्यक्ति गरीब के भी घर में पैदा हो तो भी धीरे धीरे ऊंचाइयों को उपलब्ध होता है। बहुत से लोग हैं जिनकी पत्री में काहल योग का निर्माण, काहल योग की सृष्टि हमने देखी है। ये योग इतना साधारण नहीं है, ये दुर्लभ है। लेकिन जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, जो भी कर्मयोगी हुए हैं, जो भी चरित्रवान हैं, जिन लोगों की पत्री में भी ये योग बनता है, उनकी 3-4 खूबियां सुने। चरित्रवान होते हैं, गंभीर होते हैं, वो ऐसे होते हैं जैसे माला के अंदर गुंथे हुए धागे, लोगों को दिखता भी नहीं और चुपचाप लोगों की मदद करते रहते हैं। आपने सुना होगा बहुत से लोग, किसी बहू बेटी की शादी हुई, गुप्तदान कर दिया। बहुत से लोग दूसरों के दुखों को निवारण हेतु चुपचाप गोपनीय ढंग से मदद करते रहते हैं। काहल योग का इससे उत्कृष्ट और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। ऐसे लोग यश दूसरों के सामने अपनी प्रतिष्ठा नहीं करवाते, लेकिन चुपचाप पिरोते रहते हैं। ऐसे लोग ऐसे होते हैं जैसे कुम्हार,
बाहर से दिखता है जैसे बर्तन की हल्के हल्के ठुकाई कर रहे हैं, लेकिन अंदर से एक हाथ बर्तन को संभाले भी रहता है कि कहीं ये बिखर ना जाए, कहीं ये टूट ना जाए। विशेष रूप से गुरुओं की पत्री में और जितने भी लोग, चाहे वो मंत्री हों, राजदरबार के यशस्वी सेनानायक हों, इनकी पत्रियों में भी ये योग देखा गया है, क्योंकि ये योग सेनापति है, ये योग बलवान है, चरित्रवान है, स्वाभिमानी है। ज्योतिष के बहुत से योगों की चर्चाओं में इस योग का भी स्मरण रखना चाहिए। यदि आपकी पत्री में ये योग है तो आप भाग्यशाली हैं। क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? क्या बच्चों की पढ़ाई में बाधाएं आती हैं? क्या कोर्ट कचहरी के मुकदमों से चिंतित हैं? क्या व्यापार व नौकरी में निरंतर बाधाएं आती हैं? क्या वैवाहिक जीवन व संतान सुख को लेकर चिंतित हैं? क्या अपना घर बनाने का सपना अभी तक अधूरा है? क्या वास्तु दोष आपकी उन्नति में बाधक तो नहीं? क्या आपकी जन्म पत्री में दरिद्र योग काल सर्प पितृ दोष व नीच ग्रह के अपयश व दुखों का कारण तो नहीं? उपरोक्त सभी समस्याओं के समाधान के लिए परम पूज्य देवज्ञ आचार्य श्री अनिल वत्स जी से आप मिल सकते हैं 09818189993 व 09891739999। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। फोन नंबर है 011-2540-6377 011-2514-6377।